हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप आपका वेब्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज आने वाला था जो कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी 11 और 12 का एग्जाम चल रहा था जिसके कारण मैं थोड़ा बिजी था, बट अभी इससे लगातार इसमें वीडियो आते रहेगा जिसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अभी लगातार हम लोग वीडियो इसमें बनाते रहेंगे। तो ये है आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री क्या है। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके जो 10th के बाद साइंस अगर कोई लेके चल रहा है या कॉमर्स लेके चल रहा है या कोई कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स की तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का हर एक बेसिक से बेसिक, अगर कोई बच्चा पढ़ा नहीं है 10th में, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा कमजोर रहा होगा, तो उसको भी यहां पर हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि अभी एग्जाम खत्म हो चुका है तो बहुत सारे बच्चे का ऐसा एग्जाम मतलब अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, सब भूल जाओ कि जैसा एग्जाम गया है जाने दो, अब से ये गलती दोबारा नहीं करना है, अब एकदम अच्छे से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पकड़े हो, सीधा आगे बढ़ो, अच्छा से करो, जो गलती एक बार हुआ है उसको दोबारा नहीं करना है। गलती हमेशा दूसरों से सीखो, अगला इंसान अगर गलती कर रहा तो उससे सीख लो तो उसमें तुम लोगों का ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग भी सीखते हैं, मैं भी गलती करता हूँ तो फिर हम लोग उसमें टाइम वेस्ट होता है ना, तो इससे अच्छा है कि दूसरों की गलती से सीखो ना भाई, कि अगला इंसान गलती करेगा तो उससे उसी से सीख लेना है, खुद गलती करके सीखने से अच्छा है कि दूसरों से गलती से सीखना है, क्लियर है। तो जो भी हुआ है पास्ट में, जैसा भी मार्क्स एग्जाम किया है, जैसा भी मार्क्स आया होगा, किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है। 11 को 12th के स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूँ और 10th के स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट होना ही नहीं है, जैसा भी एग्जाम गया है जाने दो, अब अच्छा करना है। अब चाहे 12th में जा रहे हो, अच्छा है वो 10th में दे रहे हो, यानी कि अब अच्छा करना है मीन्स करना है, अब दोबारा गलती नहीं करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हम जो हिस्ट्री क्या है और उसका बेसिक से बेसिक एकदम क्लास 10th लेवल से शुरू करूंगा मैं और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बेसिक से शुरू करूंगा, तो देखते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री को कितना पार्ट में बांटा गया है, ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री क्या है, क्या नहीं है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम दिया गया है वो एक बहुत ही अच्छा नाम है, जो कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसको अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहिए तो उसका हिंदी का नाम होता है त्रिकोणमिति, यानी कि तीन जिसका कोण रहेगा, और जो त्री वर्ड जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, और वो संस्कृत वर्ड तो आपको पता ही है जो कि हम लोगों का हिंदुज्म का बहुत ही अच्छा रोल रहा है। तो ये चीज़ प्राउड फील होता है कभी कभी कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम लोगों का इधर से इन्वेंट हुआ है, भारत से ही, और बाकी तो आपको पता ही है कि जीरो जो होता है, जीरो जो है वो अभी हम लोग का इंडियन ही एक उसका आविष्कार किया है। अब ये नहीं है कि अभी पहले से ही जीरो ही था, जीरो बाद में आया। अब आप पूछिएगा कि सर जीरो अगर बाद में आया तो रावण का 10 सिर कैसे था, अब 10 सिर में उसका 10 ऐसे था भाई, उसका 10 ऐसे नहीं था, ठीक है, उसका 10 ऐसे था। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो कितने पार्ट में बांटा गया, देखते हैं आगे। देखिए त्रिकोणमिति जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसको अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ना तो उसमें एक ट्राइंगल होगा, क्या होगा, ट्राइंगल, और दूसरा जो है वो ज्योमेट्री आएगा, यानी कि इसको तोड़ दीजिए, एक ट्राइंगल में तोड़िए और ज्योमेट्री में। अब ट्राइंगल में जो है उसको किस में बांटना है, राइट एंगल ट्राइंगल में, और ज्योमेट्री जो है ज्योमेट्री में किसको तोड़ना है, हम लोग ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे क्लास 10th में 7th चैप्टर में, यानी कि कोऑर्डिनेट होता क्या है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा अभी। तो इससे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो है उसका हिस्ट्री क्या रहा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री क्या रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के हिस्ट्री के बारे में देख, अब ये जो है ये देखिए इनका चेहरा देखिए गौर से, ट्रिग्नोमेट्री का जो इन्वेंट किए हैं यही किए हैं, और ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, इनका नाम है हिप्पोक्रेट्स, ओके। और ये जो है 4000 साल पहले जब हिस्ट्री में आप लोग ये चीज़ एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया, उसमें ये हुआ था कि जो घर बनाया जा रहा था मिट्टी का घर, वो पिरामिड आकार का बनाया जा रहा था, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये पिरामिड आकार का घर बनाया जा रहा था, ठीक है। उसमें आपको हाइट का जरूरत पड़ रहा था, बेस का जरूरत पड़ रहा था, और परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ रहा था, क्यों, किसी का हाइट निकालने के लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का तो जरूरत पड़ेगा ना भाई, सेम वही चीज़ के लिए। देखिए यहाँ पे जो ये है, ये पिरामिड आकार का घर बना हुआ है, ठीक है, ये पिरामिड आकार का घर जो है इसका हाइट में ये हाइट हो गया आपका, ये जो हुआ ये हाइट हो गया, ये हुआ आपका बेस, इसका बेस हो गया, ठीक है। इसको हाइपोटेनियस हम लोग ये बोला, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस है, इसका हाइट और इसकी हाइट तो सेम बराबर है, यानी ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, ये हो गया हम लोग का बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस,
ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। खाली इतना हिस्ट्री इतना याद रखिए कि ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन है हिप्पैकर्स, 4000 साल पहले वहाँ से इनका इन्वेंट हुआ था और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का जानने गए हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ट्राइंगल पार्ट, ट्राइंगल में पढ़ेंगे हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइंगल में क्या रोल है, और ज्योमेट्री जो हम बोले उसको दो पार्ट में तोड़ने के बाद जो ज्योमेट्री आता है उसमें क्या रोल है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइंगल में जो रोल रहेगा भाई, तो वो क्या रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, जिसका कोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसी को राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? अब ज्योमेट्री में क्या रोल है उसका, ज्योमेट्री में वही रोल है जो कि क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट जो कि मैंने बताया क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्वाड्रेंट ये पढ़े होंगे कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बेसिस पर हम लोग अच्छे से बारीकी से देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट एज ए एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ट्राइंगल में हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल में हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। क्लियर है? अब उसी के बेसिस पर हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्री को आगे देखेंगे। अब देखते हैं आगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल उसी को बोला जाता है कि इफ द इनिशियल लाइन ऑफ द फाइनल लाइन कवर 1/4 ऑफ दिस सर्कल। यानी सर्कल क्या होता है भाई, आपको पता है सर्कल क्या होता है? सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले, सर्कल को बोलते हैं ब्रीथ। ठीक है, अब सर्कल जो होता है वो गोल होता है। जैसे बोला जाता है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। अब फ्रेंड सर्कल से मुझे एक बात याद आता है, सारा स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि फ्रेंड सर्कल जो ऐसा है बनाओ ना भाई, ऐसा बनाओ फ्रेंड सर्कल कि अगर वो आगे जा रहा ना तो मोटिवेट हो जाए कि हमको उससे आगे जाना है। अब कोई फ्रेंड अगर कोई घर में बैठा हुआ है और पढ़ रहा है और अगला दोस्त उसको कॉल कर रहा है कि भाई पढ़ रहा क्या, कहीं चले क्या, तो उसको अगला इंसान तुरंत बुक बंद करके बोलता है उसको कि हाँ हाँ नहीं नहीं हम पढ़ नहीं रहे थे, आते हैं 5 मिनट में। उसको बोलो कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और तुम भी पढ़ो। अब पढ़ना नहीं पढ़ोगे तो क्या है, जैसे कि हम लोग अभी जैसे कि पहले बी.आर. अंबेडकर का जो हम लोगों का जन्मदिन पार हुआ है, उनका एक बहुत ही अच्छा लाइन था, आपको याद होगा कि शिक्षा जो है ना, एजुकेशन जो है ना, वो बहुत भयानक चीज़ है। क्या भयानक चीज़ है कि वो खाली जितना आप दीजिएगा ना उतना आपका इंक्रीज होगा, जितना आप बांटिएगा उतना इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। यानी कि उसको एक लाइन में हम लोग जान सकते हैं कि क्या बोले थे एक लाइन कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसने भी पिया है ना उसने दहाड़ा है। क्लियर है? यानी कि जो भी ये बहुत ही अच्छा लाइन है, ये एजुकेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आप फ्रेंड सर्कल को रिड्यूस करिए, ज़्यादा बड़ा मत बने, जितना फ्रेंड सर्कल कम रहेगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है? अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, और बाकी तो आपको पता ही है कि ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है, अच्छा बुरा आपको रखना क्या है, अच्छा को, बुरा को नेग्लेक्ट कर देना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल जो है, ये सर्कल का अगर हम लोग 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे तो देखो ये जो है ये 90 डिग्री बनाएगा भाई, क्योंकि ओवरऑल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका 360 को हम लोग फोर्थ पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 90 होगा, तो यानी कि ये 90 डिग्री, इसी को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर है? ये जो है हम लोगों का क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो हम लोगों का क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एक आर्क बोलते हैं उसको हम लोग मेजर एंगल ऑफ मेजरमेंट में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं इसमें ये हो गया क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग एक और चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं हमें कि ये जो होता है ये 90 डिग्री हो गया, हम मैंने बताया अभी कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है जिसमें आप जिस आधार जिस बेस में आप खड़े होंगे वो हो गया आपका। एक कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप खड़े हैं और जो जिसमें आप खड़े हैं जमीन पे वो हो गया बेस, आप जिसका आपका जितना हाइट है वो हो गया परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोल सकते हैं आप, और आपका जो छाया है यानी कि अगर धूप है इधर है आपका तो उसमें जो छाया आ रहा है वो आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग ये भी चीज पढ़े होंगे कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि क्या है ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो बराबर है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10 का चीज है, तो ये चीज आप पढ़े होंगे। अब आगे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग क्या क्या हमको उसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखिए आपको पढ़ना यही पड़ेगा कि एंगल्स पढ़ना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि इस एंगल का मेजरमेंट कितना है कितना नहीं है, एंगल ऑफ मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा जो है आपको देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में क्या है, क्या 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 आइडेंटिटीज है, कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कितना आपका वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी हम लोग का आगे जो फर्दर काम आएगा वो देखना है, और जो एंगल ऑफ मेजरमेंट देखना है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, उसके आर्क के बेसिस में जो क्वेश्चन बनता है वो भी हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग जो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर काम करना है, जो बेसिक्स हमको लेकर चलना है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल अगर हम साइन ऑफ एंगल अभी से शुरू कर देंगे तो आप लोग ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से शुरू करता हूँ और जाके वहाँ ख़त्म करूँगा। ठीक है, आप बने रहिए, इसमें देखते जाइए आगे कितना आसान हो जाएगा त्रिकोणमिति। क्लियर है? तो अभी हम शुरू कर रहे हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखते हैं कि सबसे पहला हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहला जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है भाई, सबको पता है कि सर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा sec theta और cot theta कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 6। यानी कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होता है। क्या क्या, sin cos tan cosec sec और cot। यानी कि आपको ये चीज़ क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि sin जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, cos का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू क्या होता है, cosec का, sec का और cot का। अगर नहीं होता तो हम यहाँ लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा से जानकारी हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं शेप, यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं और देखते हैं हम लोग अभी। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल से अब आपको पता है कि ये जो है ये 90 डिग्री है आपका। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम, सबका तो नाम देना पड़ता है, नामकरण करना पड़ता है। ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल पहचान में आ गया है। अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि हाइट भी बोलते हैं हम लोग, और ये जो है ये है बेस, जिसमें जो जमीन स्तरीय है, और जो छाया बन रहा है इस इंसान का वो क्या था भाई, हाइपोटेनियस। ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब पी बी और एच इसका रोल क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन का, साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्लियर है? कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। सेम उस तरह से टेन जो होता है, टेन थीटा वो परपेंडिकुलर बाय बेस, और सेम उसका रेसिप्रोकल जो मैंने बताया कि कोसेक थीटा जो होगा आपका, कोसेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा एच बाई पी, उसका उल्टा। यानी कि सेक थीटा क्या होगा बाबू, सेक थीटा जो होगा वो होगा एच बाई बी, और सेम इसका रेसिप्रोकल कौन है, कॉट थीटा है, यानी कॉट थीटा जो होगा वो बी बाई पी। तो ये इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो सब है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग जान चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। क्लियर है? उसका वैल्यू भी हम लोग जान चुके हैं कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और सेम उसका रेसिप्रोकल कीजिएगा, उसका उल्टा कीजिएगा तो उसका सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि रेसिप्रोकल उसको उल्टा कर रहे थे, यानी कि पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन, यानी कि साइन थीटा, थीटा वहाँ पे क्या है, एंगल है, एंगल ऑफ मेजरमेंट हम उसको बता देंगे, थीटा आया कहाँ से, थीटा का वैल्यू कितना होता है, सब कुछ मैं उसमें क्लियर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे है साइन थीटा, अब ये थीटा एंगल है, अब साइन थीटा जो है ये होता है पी बाई एच, इसी का रेसिप्रोकल होता है, अगर ऐसी प्रोग्राम होता क्या, उसका उल्टा रे, वन बाय साइन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। तो अगर ये साइन पी बाई एच दे रहा था तो कोसेक कितना देगा, एच बाई पी देगा, सेम उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा ले लो भाई, क्या लोगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा ले लो दूसरा, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बाबू, वन बाई कॉस थीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और इसको अगर उल्टा कर रहे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बाई बी, ये हो गया एच बाई पी, ये हो गया सेक थीटा एच बाई बी। अब बात करते हैं टेन थीटा का,
टेन थीटा, तीसरे नंबर पे टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई टेन थीटा, वन बाई टेन थीटा, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा। अगर हम लोग अगर टेन थीटा को पी बाई बी ले सकते हैं, जब इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर रहे हैं तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि बी बाई पी आ जाएगा। तो हम लोग क्या क्या जाने हैं, अभी अभी हम लोग क्या क्या जाने, थोड़ा सा इसको हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो हम लोग का काम क्या बना भाई, ये बना साइन थीटा पी बाई एच, कोसेक थीटा बना क्या, कोसेक थीटा क्या बना, कोसेक थीटा बना एच बाई पी, उसी का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा जो बना बी बाई एच है, और सेक थीटा जो बना एच बाई बी, क्लियर हो रहा, सेम उसका उल्टा। टेन थीटा जो बना हम लोग का अभी, वो क्या बना भाई, टेन थीटा बना पी बाई बी, और कॉट थीटा क्या बना हम लोग का, ये तो डब्बा नहीं बन रहा है, अब इसको हमको हैंड से बनाना पड़ेगा, ये बन गया आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, यानी कि ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियोज बताए हम, रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का उल्टा बताएं कि क्या क्या किसका क्या वैल्यू होता है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसका आइडेंटिटीज, क्लास 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ 11 क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट हम लोग आगे ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोगों को सब आता है, लेकिन ये मानना गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर हमको बेसिक से पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं तीन तरह के, कैसे, पहला जो स्टूडेंट रहेगा वो उसको कुछ नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता है, और वो आके बोलेगा सर मुझे कुछ नहीं आता है, हमको एकदम जीरो से पढ़ना है। दूसरा टाइप के स्टूडेंट जो होता है उसको कोई कुछ नहीं आता है, लेकिन वो आके बोलेगा सर हमको सब कुछ आता है, पढ़ाइए ना क्या पढ़ाना है, बात समझ में आ रहा है। और तीसरा स्टूडेंट आता है जिसको सब कुछ आता है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करेगा इसको कुछ नहीं आता है, वो शांति से बैठेगा और वो ज्ञान लेगा आपको, आप पढ़ाइए, वो किसी भी क्लासरूम में जाके बैठ जाएगा, शांति से पढ़ते रहेगा। तो तीन तरह के स्टूडेंट, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कितना होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। अब मैंने तो ये वन लिख दिया, अब वन तो कहने से नहीं ना आएगा भाई, अब देखते हैं कि प्रूव करके कैसे होगा कि नहीं। अब मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम इसके जगह पे, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर चिपका दिया, क्लियर है। दूसरा है कि कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस थीटा का वैल्यू हमको मैंने बताया आपको क्या, बी बाय एच, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी बाय एच, इसको हम बेस बाय हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसका स्क्वायर चिपका दिए। अब बात करते हैं इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एलसीएम हो गया आपका एच स्क्वायर, ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक कहानी बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो रहेगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू एच स्क्वायर, और इधर भी है आपका एच स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया वन, जो कि अभी हम अभी तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन होता है, अब मानना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं जो कि अच्छा दिखेगा थोड़ा, ठीक है। पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, जो कि मैंने प्रूफ के साथ करवाया, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं, दूसरा आइडेंटिटी लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। अब ये चीज प्रूफ हम करें या तुम लोग करोगे, अब तुम लोग के भरोसे छोड़ तो नहीं सकते, मुझे ही करना पड़ेगा, देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, जो कि मैंने बताया साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, तो कोसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ एच बाई पी, इसमें स्क्वायर चिपका हुआ था यहाँ भी चिपका, क्लियर है। अब आते हैं माइनस में, अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, जो भी मैंने अभी पढ़ाया कि कॉट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन क्या बोलता है बाबू, कि बोलता है पी बाई बी, तो यानी कि कॉट क्या बोलेगा बी बाई पी, उसका उल्टा
ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, अब एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एक चीज़ फिर से कहानी चलो, ठीक है, कहानी में मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या यहाँ से तीन फॉर्मूला हम लोग का नहीं निकलेगा? पहला ये, दूसरा अगर एच स्क्वायर को हम इधर रखें और इधर भेज दें बी स्क्वायर को तो दूसरा क्या मिलेगा? पी स्क्वायर। यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलेंगे? पी स्क्वायर। और तीसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी तीसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यानी कि तीन फॉर्मूला यहाँ से निकले। देखो इसको देख के डरना नहीं है, क्या है कि हाइपोटेन्यूस ना सबसे बड़ा है भाई। हाइपोटेन्यूस क्या है? सबसे बड़ा है। पी और बी का जोड़ है वो भी स्क्वायर का, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जोड़ है कौन है भाई? एच स्क्वायर। यानी कि अगर घटना भी होगा तो उस बड़ा से परमिशन लेके घटना होगा। देखो ये क्या हुआ, घटा तो ये बड़ा से परमिशन लिया, तो हमेशा जो माइनस होगा ना वो एच से होगा, क्लियर है? यानी कि जब भी माइनस होगा तो एच स्क्वायर से होगा। जब भी माइनस होगा, अगर कोई तुमको पूछ दिया कि पी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, लिखो पी स्क्वायर। तुम लोगों को पता है कि पी बी और एच ही होता है, लिखो पी स्क्वायर। अब उसका अगला वैल्यू क्या होगा? हम मैंने बताया कि बड़ा से ही माइनस होगा तो एच स्क्वायर बड़ा है, माइनस यहाँ बी चिपकाओ, क्लियर है? अगर कोई बोलेगा बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, लिख दो, मैंने बताया कि बड़ा से माइनस होगा, यानी कि यहाँ पर लिख दो पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का गलती कर दिया रे भाई। अच्छा देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर लिखे हैं, इसीलिए बोलते भटकना नहीं चाहिए, क्या बताएं। अब यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम लोग? पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या बोलेंगे? पी स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर लिखे हम लोग, एलसीएम था पी स्क्वायर, पी स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल, कितना बना? वन। यानी कि अभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, जो कि मैंने अभी प्रूफ करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी में आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी में। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलता है? नेक्स्ट आइडेंटिटी बोलता है तीसरा नंबर है, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी बोलेगा वो बोलता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। अब भी इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस क्या देता है? बी बाई एच, बी बाई एच। तो सेक क्या देगा? एच बाई बी स्क्वायर चिपकाओ, ठीक है, माइनस टेन। टेन किस, टेन तक खुद टेन है, उसको क्या रेसिप्रोकल करेंगे? वो पता है कि पी बाई बी देता है। लिखो यहाँ पे पी स्क्वायर पी बाई बी का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यानी कि ये एलसीएम हो गया बी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि अगर बड़ा से कोई घट रहा है तो एच से पी घट रहा है तो क्या होगा? बी होगा, क्योंकि तीन चीज़ रहता है उसमें, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया वन। तीसरा आइडेंटिटी में हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, और तीसरा आइडेंटिटी यही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, क्लियर है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, तीसरा आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लिए, ठीक। तीन आइडेंटिटी मैंने अभी प्रूव करा दिया, तीन आइडेंटिटी में अभी हम लोग एक डायरेक्टली तीनों को एक साथ लिखेंगे और एक साथ हम लोग जानेंगे, ठीक है। तीनों आइडेंटिटी को एक साथ लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले जो हम लोग मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोग अभी? सबसे पहले जो हम लोग अभी पढ़े, सबसे पहला एक नंबर में जो पढ़े, क्या पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। दूसरा क्या पढ़े कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, क्लियर है? और तीसरा हम लोग पढ़े कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो बाबू पाइथागोरस थ्योरम में मैंने अभी बताया कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसी को हम लोग ब्रेक करके तीन फॉर्मूला निकाले, उसको एक था उसमें और दो आया तो तीन निकला, तो इसमें भी एक है, इसमें भी और दो चिपकेगा, तो इसमें तीन, इसमें तीन और इसमें तीन, नौ फॉर्मूला हो जाएगा। देखो कैसे इसको हम लोग इस साइड रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको इस साइड रखो और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला दूसरा फॉर्मूला है, पहला ये दूसरा ये तीसरा, और अभी साइन को नहीं रखना है, अब किसको रखना है? कॉस को।
कॉस को रखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, इसको आगे हम लोग काम करेंगे, इसके आगे हम लोग को हर एक जगह जरूरत पड़ेगा, क्लियर है। अब sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, अब cosec को यहीं पे रखो, अरे यार गलत बोल दिया मैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। अब देखो cosec को इस साइड रखो, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब cot, अब कॉट को इधर रखो, इस वन को उधर भेज दो, कॉट को इसी साइड रहने दो, अब इस वन को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, कॉट को उस साइड ही रखो, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्लियर है। तो यानी कि इसका तीन, अब इसका भी तीन हो गया, अब इसमें देखते हैं, अब सेक को इसी साइड रखो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम इसके जैसा, टेन को उधर ही रखो, इस वन को उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे हम लोग तीन तीन फॉर्मूला सबको पता चल चुका है कि तीन 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 नौ हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का तीन, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का तीन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का तीन, यानी कि तीन आइडेंटिटी का हम लोग अभी नौ फॉर्मूला टोटल पता चल चुका है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखेंगे क्वाड्रेंट के ऊपर काम करेंगे, क्वाड्रेंट होता क्या है, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, कहाँ से आया, क्या नहीं, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट होता क्या, देखो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि क्वाड्रेंट जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10 में तुम लोग बढ़ चुके हो 7 चैप्टर में, ठीक है। वहाँ पे क्वाड्रेंट का इतना तो जानते हैं कि उसमें दो एक्सिस होता है, क्या होता है उसमें दो एक्सिस होता है, उसमें दो एक्सिस होता है जो कि एक एक्स एक्सिस रहता है और एक जो रहता है वाई एक्सिस रहता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे बताएंगे कि ये हो गया तुम लोगों का एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई और इसको वाई डैश बोलते हैं, क्लियर है। इसमें सारा चीज़ पॉजिटिव आता है, इधर सारा नेगेटिव आता है, इधर क्या आएगा, सारा चीज़ पॉजिटिव आएगा, इधर सारा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। सेम चीज़ वाई एक्सिस में भी इधर सारा क्या आएगा बाबू, पॉजिटिव आएगा, और इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसीलिए इसको एक्स बोला जाता है, उधर एक्स डैश बोला जाता है, क्लियर है। ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस जो रहता है, इसी के बेसिस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम आगे देखेंगे काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट, यहीं पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो सर हम लोग का टोटल क्वाड्रेंट जो होता है वो फोर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का काम क्या होता है, ठीक है। अब हम कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे मैजिक करने के लिए, ठीक है, मैजिक करने के लिए कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल बोले तो कैसा ड्रॉ करेंगे देखते हैं, ट्रायंगल जो ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पहुंचा नहीं, पहुंचा दिए इसको, ट्रायंगल बन चुका है ये, ठीक है। अब ये जो हो गया ट्रायंगल का, ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल है ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कितना डिग्री दिख रहा है भाई, 90 डिग्री, यानी कि ये जो है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल जो मैंने बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने जो एक ट्रायंगल बनाया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, क्लियर है। ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहला चीज़ आप हमको बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल जो बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक जो ट्रायंगल बना, परपेंडिकुलर जो आया बाबू, परपेंडिकुलर किधर जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, परपेंडिकुलर जो जा रहा है वो वाई एक्सिस में जा रहा है, और जो कि किस में जा रहा है, किस साइड में जा रहा है, ये पॉजिटिव लाइन है बाबू, पॉजिटिव लाइन है, यानी कि इसको हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो आया है वो क्या है, पॉजिटिव है। बेस जो है वो बेस क्या है, बेस बेस भी देखो पॉजिटिव में, एक्स एक्सिस के इस साइड में है, यानी कि वो पॉजिटिव में है, अब ये भी पॉजिटिव हो गया। अब हाइपोटेन्यूस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा होगा, नेगेटिव हो नहीं हो, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो पाएगा, वो बड़ा होता दोनों की चीज़ में, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है ये ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है। अब देखो बात, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो जो पढ़े हैं, कितना पढ़े, 6 पढ़े। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो 6 रेशियो हम लोग पढ़े हैं उसका जितना भी वैल्यू निकाला है हम लोग किसके बेसिस पे निकाले, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, तीन ही चीज़ था ना भाई। तो तीन ही चीज़ में देखो जो परपेंडिकुलर बेस और एच मतलब हाइपोटेनियस पर बी बी और एच अगर तीनों पॉजिटिव मिल रहा है, अगर ये चीज़ तीनों पॉजिटिव मिल रहा है, ये तीनों पॉजिटिव मिल रहा है तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पॉजिटिव होगा। अगर इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा तो वो रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यानी कि कोई अगर अब तुम लोगों को पूछेगा कि बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रोल रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही आएगा, जो कि अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि इसका तीनों जो साइड है उसका पॉजिटिव वैल्यू आता है। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर से हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ट्रायंगल बन चुका है। अब ये इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए सेकंड ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री है। अब ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर हो गया, किसके लिए, इस साइड के लिए, और इसके लिए भी ये बेस हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनियस। सेकंड ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये ट्रायंगल फर्स्ट वाला हो गया, इधर सेकंड वाला हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो। अब बात करो, अब हमको बताओ जो इसका जो परपेंडिकुलर है बाबू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो देख के पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर जो है सर वो पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर क्या है, वो पॉजिटिव है। क्लियर है? अब जो इसका यहाँ बेस लिख दिए हम, ये क्या है, ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, बेस जो है वो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। बेस क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? बट हाइपोटेनियस जो है वो यहाँ पे क्या रोल कर रहा है, पॉजिटिव रोल कर रहा है, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ही खाली पॉजिटिव है। अब बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है? तो तुम लोग बोलेगा सर साइन थीटा में पी बाई एच आता है, और उसका रेसिप्रोकल कौन है भाई, कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा में एच बाई पी आता है। तो साइन थीटा में पी बाई एच और कोसेक थीटा में एच बाई पी, उसको छोड़ के कहीं पे और है ऐसा कि जहाँ पे एच और पी आता है? तो नहीं है। यानी इसको हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे साइन थीटा एंड क्या, कोसेक थीटा, जिसका वैल्यू क्या देगा बाबू यहाँ पे, साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या देगा यहाँ पे, पॉजिटिव देगा। याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब तो हमको भी, मुझे पता नहीं है, अब मुझे भी नहीं पता है, अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। अब यहाँ ट्रायंगल बन चुका है, अभी ट्रायंगल बन चुका है, अभी ट्रायंगल का देखो, इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल लाई कर रहा है इसका कोण जो है, इसका जो एंगल है कितना डिग्री है, 90 डिग्री, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अब बात करते हैं जो ये जो लाइन है क्या है, ये हाइपोटेनियस है, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस क्वाड्रेंट के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो होगा यहाँ से यहाँ जो होगा वो भी बेस होगा। क्लियर है? अब इसमें देखो थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, पी बी और एच, बताओ परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर सर वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में, तो लिख दिया भाई नेगेटिव। सर बेस जो है वो भी नेगेटिव है, कैसे, देखो बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, एच जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक चीज़ देखो, पी और बी जो नेगेटिव में, अब बताओ पी और बी कहाँ आता है, तो टेन थीटा याद है, टेन थीटा क्या था, पी बाई बी, पी बाई बी, यानी कि उसका रेसिप्रोकल क्या था, कॉट थीटा, यानी कि बी बाई पी, यानी कि टेन जो है और कॉट जो है वो यहाँ पे क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सर कैसे देगा, यहाँ तो दोनों नेगेटिव है, तो अरे पागला, तो पी जो है यहाँ नेगेटिव है और बी जो है ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव नहीं देगा, नहीं पॉजिटिव देगा ना, तो यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब आते हैं चौथा ट्रायंगल में, अब फोर्थ ट्रायंगल में जो अभी हम लोग बनाएंगे, अब फोर्थ ट्रायंगल जो हम लोग बना रहे हैं, देखो ध्यान से, बन चुका ट्रायंगल। क्लियर है? अब फोर्थ
ट्रायंगल जो बना है इसका ये डिग्री जो ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखो इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। इसमें तो तुम लोग बोलना नहीं पड़ेगा सर परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव है और बेस जो है वो पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस जो है वो भी पॉजिटिव है। हाइपोटेनियस भी क्या है? पॉजिटिव है। अब बेस और परपेंडिकुलर सॉरी बेस और हाइपोटेनियस कहाँ आता है? तो बेस और हाइपोटेनियस आता है कॉस में। क्या होता है? बी बाई एच। उसका रेसिप्रोकल क्या है? सेक। सेक में क्या आता है? एच बाई बी। यानी कि यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि कॉस थीटा और सेक थीटा जो होता है इसमें पॉजिटिव देगा। तो हम लोग क्या सीखे अभी? हम लोग सीखे जो चार क्वाड्रेंट में चार जो क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किसका क्या रोल है विथ प्रूफ के साथ। हम लोग यहाँ देखें कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, क्लियर है। सेकेंड जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कोसेक जो रहेगा वो पॉजिटिव देगा। थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या था भाई? टेन और कॉट था। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या अभी प्रूव किया हम लोग? कोसेक और सेक, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब देखते हैं कि इंटरचेंज बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इंटरचेंज जो करना है, इंटरचेंज का मतलब वो नहीं रेसिप्रोकल नहीं बोल रहे हम, इंटरचेंज मतलब कि अगर किसी वैल्यू को किसी कोई भी एंगल के बीच अगर हम उसको इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे से अदली बदली करेंगे तो कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले देखो साइन थीटा जो चेंज होगा ना बाबू, साइन थीटा, अब इसका रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक है ना, तो वो चेंज नहीं होगा। इंटरचेंज जब होगा तो साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, पहला इंटरचेंज, क्लियर हो रहा है ना, इंटरचेंज जब होगा तो। दूसरा टेन थीटा जो चेंज होगा वो होगा कॉट में और कॉट जो चेंज होगा वो होगा टेन में, क्लियर है। और तीसरा इंटरचेंज होगा जो कॉसेक, कॉसेक थीटा वो चेंज होगा सेक में और सेक चेंज होगा कोसेक में। यानी इंटरचेंज बिटवीन द टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में और कोसेक जो है सेक में और सेक कॉस में, कोसेक में, क्लियर है। अब नेक्स्ट अब देखते हैं कि चेंज क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, चेंज किस में होगा सर, इंटरचेंज किस में होगा किस में नहीं होगा वो तो पता नहीं है। सब तो बोलते हैं कि सर डायरेक्टली साइन 90 प्लस थीटा है चेंज कर दो, कॉस 90 प्लस थीटा है चेंज कर दो, कॉस अगर 180 है तो नहीं चेंज होगा। अब क्यों होता है चेंज वो देखते हैं। तो इसको हम लोग दो तरह से सीखेंगे, एक सीखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ, एक सीखेंगे इवन मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। 90 एक बेस मानेंगे हम लोग और उसके बेसिस पर सीखेंगे कि किस में चेंज होगा और किस में चेंज नहीं होगा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उससे पहले क्वाड्रेंट में कुछ एंगल है जो कि तुम लोगों को जानना चाहिए। क्वाड्रेंट बनाते जल्दी से, ये बन चुका है तुम लोगों का क्वाड्रेंट, ये तुम लोगों का बन चुका है क्वाड्रेंट। इससे पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, उसके बाद आते हैं हम लोग उसमें आएंगे। देखो तो सबसे पहले तुम लोगों को पता होगा कि जो ये क्वाड्रेंट होता है ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे जीरो डिग्री रहता है, कितना रहता है भाई? जीरो डिग्री। जीरो को हम लोग आगे मूव करेंगे, ये हम एंगल ऑफ मेजरमेंट जब पढ़ेंगे ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल जब उसमें दूसरा टॉपिक जो था तो उसमें पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम बारीकी से देखेंगे, ठीक है। अभी तुम लोग इतना जानो कि ये जो है जीरो डिग्री है, ये कहाँ पे है? जीरो डिग्री पे। इसको हम लोग आगे मूव करेंगे, इसको हम लोग आगे मूव करेंगे ना, तो ये देखो कितना डिग्री कौन बनाया वाला? 90 डिग्री। ये कितना बनाया? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जीरो से हम लोग आगे बढ़ाएं तो कितना आ गया? 90 डिग्री। अब 90 से आगे बढ़ाओ जो ये पूरा पूरी ये कवर करेगा, तो 90 और 90 कितना हो गया? ये हो गया 180 डिग्री। कितना हुआ भाई? 180 डिग्री। यानी कि ये 180 डिग्री है, ये 180 से आगे जाएंगे, ये 180 से फिर 90 प्लस होगा। देखो यानी कि ये 90, ये 90 और ये 90, यानी टोटल कितना बन चुका है? 270 डिग्री, क्लियर है, 270 डिग्री। और ये 90 और एक बार हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, इसको हम आगे जाएंगे यहाँ पे, तो कंप्लीट जब वन रोटेशन होता है तो ये 90 90 90 90 कितना बनेगा भाई? यहाँ बनेगा 360 डिग्री। कितना बनेगा? 360 डिग्री, क्लियर है। अब ये 360 डिग्री देखो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको कैसे देख के पहचानेंगे हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट किसको देख के पहचानेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट को किसको देख के पहचानेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है किसको देख के पहचानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रोल क्या रहा है क्वाड्रेंट में वो तो मैंने बता दिया। अब देखो कि क्वाड्रेंट जो है उसमें हम लोग एंगल को कैसे देखें पहचानेंगे कि कौन सा एंगल किस में आ रहा है। अब ये यहाँ पे कितना डिग्री है? जीरो डिग्री। जीरो से अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो क्या दिखेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखेगा। जीरो से थोड़ा सा भी आगे बढ़ो, थोड़ा सा भी आगे, आगे मतलब क्या? प्लस।
आगे बढ़ना मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और पीछे जाने का मतलब माइनस होता है। यानी कि जीरो डिग्री से हम लोग थोड़ा भी आगे जाएंगे, थोड़ा भी आगे जाएंगे, हम एंगल का वैल्यू कितना ले लिए, थीटा ले लिए, तो जीरो डिग्री प्लस थीटा क्या देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा, देगा जीरो से थोड़ा सा भी आगे जाओ, थीटा का वैल्यू वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, कुछ भी रखो, यानी 90 भी रखेंगे तो क्या जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? ठीक। अगर बोलेंगे सर इस 90 से अगर हम लोग इधर इस साइड आएंगे, पीछे आएंगे, तो भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्यों, क्या जीरो से जब आगे जा रहे तो उसका कितना एरिया, कितना भाई एरिया तो यही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया यही है, तो जीरो से आगे जा रहे हैं या 90 से पीछे जा रहे हैं, तो 90 से जब पीछे जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, 90 माइनस थीटा भी आ जा रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जीरो डिग्री प्लस थीटा भी आ जा रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 360 कुछ गलती किया है क्या, नहीं किया है, इसको भी डालते हैं यहाँ पे कि सर 360 से भी हम लोग आगे जाएंगे ना, तो भी हम लोग को क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। क्लियर है? यानी जीरो डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, तीनों में हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। क्लियर है? अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां जाएंगे तो मिलेगा। सर कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री से आगे जाइए आप। ठीक है भाई, लिखो 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी 90 डिग्री से अगर थोड़ा भी आगे जाएंगे या थीटा का वैल्यू 1 भी लेंगे 2 भी लेंगे ना, तो कहां जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? और 180 से पीछे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी यही देखेंगे कि सर आप 180 से आगे जाइए तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। और सर आप ये जो है ये लाइन 270 जो है ये 270 डिग्री से आप जब पीछे जाइएगा ना तो आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब देखो और तो कुछ नहीं है इसमें, और कुछ है नहीं है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो क्या होता है कि सर आप 270 से 270 डिग्री प्लस थीटा आगे जाइए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जीरो से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमको मिल रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब जीरो से जब पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया है, ये अलावा एरिया जो है, ये जो एरिया आपको तुम लोगों को दिख रहा है क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जीरो डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? और इसे वो भी लिख सकते हैं, 360 जो बचा हुआ है उसको भी लिखो यहाँ पे कि 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब जीरो का देखो सर, जीरो प्लस थीटा और जीरो माइनस थीटा का अंतर क्या है, अंतर देखो सब इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उसमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है पॉजिटिव होता है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जीरो माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस थीटा, कभी कभी क्या होगा पता है, कभी कभी जीरो को हटा देगा, कभी कभी क्या होगा, जीरो को हटा देगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस थीटा, जीरो नहीं रहेगा कभी कभी। और सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट का, सर कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा क्यों होता है। क्लियर है? उसको डाउट मैं क्लियर करूंगा अभी। तो अभी तुम लोग जान चुके हो कि कहाँ पे क्या मिलेगा, 90 प्लस थीटा, सीधा बोलेंगे सर 90 प्लस थीटा क्या होता है, हम यहाँ पे आ जा रहे हैं, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, जीरो डिग्री है इधर, जीरो डिग्री है, हम बोलेंगे कि 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, देखो जीरो डिग्री, ये 90 डिग्री, इधर 180 डिग्री। ठीक है, जीरो 90 180, और 180 से क्या करना बोल रहे हैं, प्लस, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 से आगे जाएंगे, तो जैसे ही 180 से आगे जाएंगे कौन सा क्वाड्रेंट, 180 से आगे जैसे जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, देखो 180 से आगे जैसे जाएंगे क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? सीधा सीधे सोचना है, सर अगर 270 से कम जाएंगे तो क्या मिलेगा, 270 कहाँ है, 180 के बाद 270, सीधा सीधा नीचे साइड में यहाँ पे, उससे कम जाना है, तो कम जाना है मतलब इधर जाना है क्या, नहीं पीछे जाना है, तब ना कम होगा, तो पीछे जाएंगे यानी कि माइनस होगा, तो 270 माइनस कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। पूरा पूरा दिमाग में बैठा कर रखो और प्रैक्टिस करो दिमाग में बैठा के, एकदम सारा चीज़ देखते साथ में आंसर आएगा, पूरा जादू बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो अभी ये चीज़ तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तीन मिल चुका है, कितना मिला यहाँ पे, तीन, यहाँ पे कितना मिला, दो, यहाँ पे कितना मिला, दो, यहाँ पे कितना मिला, तीन, यानी कि तीन तीन छः और चार, टोटल यहाँ पे हमको दस मिल चुका है। दस का काम दूंगा, होमवर्क दूंगा तुम लोग को कि दस का दस तुम लोग बना के रखना। क्लियर है? अब क्वाड्रेंट में क्या कह सीखे हम लोग, क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रोल क्या है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू देगा, कहाँ नेगेटिव देगा, वो तुमको बता चुके हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ है, अभी इसका एंगल भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, एंगल भी। ठीक है, अब आते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, पहले चेंज और नो चेंज वाला हम अब क्लियर करते हैं। ठीक है, चेंज जो है और नो चेंज रहा रहेगा, चेंज कैसे होगा सर और नो चेंज कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इवेंट मल्टीपल ऑफ 90, अब इवेंट जो 90 जो रहेगा, 90 लिख देते हैं यहाँ पे, 90 90
90 इवेंट मल्टीपल, इवेंट मल्टीपल ठीक है, जहाँ जहाँ इवेंट मल्टीपल में क्या होगा पता है, इवेंट मल्टीपल में जो होगा वो हो जाएगा नो चेंज, इवेंट मल्टीपल में नो चेंज होगा। यहाँ लिख देते हैं हम, कोई असुविधा तो नहीं है, नो चेंज। याद रखना कि 90 का मल्टीपल अगर रहेगा जो कि इवेंट मल्टीपल रहेगा वहाँ चेंज नहीं होगा। कौन चेंज नहीं होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा ठीक है। अब ऑड मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल में क्या हो जाएगा तब? चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे है, इसका एग्जांपल कराएंगे ना बहुत अच्छा से क्लियर होगा, ये लॉजिक बहुत ही ज़्यादा काम आएगा तुम लोगों को ठीक है। इवेंट मल्टीपल में क्या क्या आता है, देखो इवेंट नंबर ले रहे हैं हम 0, 2, 4 और 6 ठीक है। मल्टीपल करो, मल्टीप्लाई करो, कितना कितना आएगा, ये हो गया 0 × 90 कितना होगा 90, धोखा खा गया था ना अभी, 0 आता है ठीक है। अब 2 × 90 यानी कितना है, 2 × 90 कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब यह कितना है, 9 × 4 = 36, 360 डिग्री और 9 × 6 = 54, 540 डिग्री। अब उस क्वाड्रेंट में थोड़ा सा पीछे हम आएंगे, उसमें उस क्वाड्रेंट में जहाँ तुम लोग अभी बताए हैं इसमें ये बढ़ते रहेगा, ये नहीं कि यहीं पर सीमित है। अब देखो ये 360 है ना, 360 को फिर से प्लस करो, 360 प्लस 90 करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा रे 450। अब ये हो गया, देखो 360 है, 360 प्लस 90 करेंगे फिर से, यहाँ आ जाएगा फिर से 450 ठीक, 450 से फिर से 90 करेंगे कितना आ जाएगा 540, कितना आ जाएगा 540 ठीक है। और 540 में फिर से 90 ऐड करेंगे अगर हम लोग ठीक है, फिर से अगर 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 630, कितना हो जाएगा 630 630 ठीक है। और फिर इधर आ जाएगा 630 में फिर 90 जोड़ो कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720 720, यानी कंप्लीट 2 रोटेशन हो गया है। तो ये जो जो डिग्री है वो बढ़ते जाएगा, उसमें कोई कभी कभी देखना तुम लोगों को निकालने देगा 1120 निकालो, 1120 डिग्री का साइन, 1120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सीखेंगे लॉजिक से सीखेंगे उसको ठीक है। अब आते हैं उसमें हम लोग, इवेंट मल्टीपल एंड ऑड मल्टीपल। अब देखो इवेंट मल्टीपल में क्या क्या है, जहाँ पे तुम लोगों को इवेंट मल्टीपल यानी जीरो दिखेगा, जहाँ पे तुम लोगों को जीरो दिखेगा वहाँ पे चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा ठीक है। जहाँ पे 180 दिखेगा चेंज होगा क्या, नहीं दिखेगा। अब 360 दिखेगा तो चेंज नहीं होगा, यानी कि 540 जो दिखेगा वहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90, फिर से 90 लिख रहे हैं, 90 90 90 एंड 90 क्लियर है। ऑड मल्टीपल ठीक, ये हो गया तुम लोगों का 90, ये हो गया 270, ये हो गया 450 और ये हो गया तुम लोगों का 630। अब बाबू थोड़ा सा देखो ध्यान से, थोड़ा सा छोटका सा एक तो क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, कितना छोटका सा ठीक है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे था 90 डिग्री, यहाँ पे था 180 डिग्री और यहाँ पे था 270 डिग्री और यहाँ पे था 360 डिग्री और फिर 98 जब कर रहे थे यहाँ पे 450 मिला था मेरे को और यहाँ पे क्या मिला था 540 यहाँ पे क्या मिला था 630 और यहाँ पे क्या मिला था 720। कंप्लीट 2 रोटेशन ले रहे, ध्यान से देखो इसको ठीक है। 0 डिग्री, 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 180 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर 360 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे है। और फिर 720 कहाँ पे, यहीं पे है ठीक है। 540 कहाँ पे, यहाँ पे है। देखो एक एक करके, 0 डिग्री यहाँ है, 180 डिग्री यहाँ है, 360 यहाँ है, 540 वहाँ है। फिर आगे जाएंगे ना, अगर हम लोग यहाँ आगे जाएंगे तो 8 × कितना हो जाएगा, 8 × 90 जो कि 720 है। अब देखो 720 भी इसी लाइन में मिल रहा है, यानी कि ये जब एक्स एक्सिस में लाई करेगा ना, एक्स एक्सिस में जब लाई करेगा तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, नो चेंज। एक्स एक्सिस में नो चेंज, दिमाग में बैठा लो कि एक्स एक्सिस में जब भी एंगल जब मूव करेगा तो नो चेंज होगा, क्लियर है। यानी एक्स एक्सिस में हम बताएंगे आगे जाके, एक्स एक्सिस में नो चेंज है, क्लियर है। अब देखो इसको, पहला क्या है 1 × 90 90, देखो 90। फिर क्या है 3 × 90 270, देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 5 × 90 क्या आ गया 450, देखो 450 यहाँ पे आ गया। और 7 × 90 630, यानी कि ये किस में लाई कर रहा है, ये कर रहा है वाई एक्सिस में, यानी कि वाई एक्सिस में
अब वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा बाबू, चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस में चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ मेजरमेंट में तुम लोगों को एक चीज़ हम बताएंगे वहाँ पे कि पाई का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री हम वहाँ पे प्रूव करेंगे। एंगल ऑफ मेजरमेंट में पाई का वैल्यू 180 डिग्री कहाँ से आया वो हम प्रूव करेंगे, क्लियर है। इसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। तो ये डिग्री में जैसे दिया हुआ है, इसे जो डिग्री में दिया है इसको हम लोग रेडियन वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये डिग्री दिया है इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताओ तो, इसको हम लोग लिखेंगे पाई, इसको हम लोग लिखेंगे कितना रे, दो गुना है ना, दो गुना है ना, तो ये लिखेंगे हम लोग टू पाई, इसको कितना लिखेंगे थ्री पाई, इसको कितना लिखेंगे फोर पाई, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये जीरो पाई या एक पाई या दो पाई, तीन पाई, चार पाई। ठीक है, आप खटिया बन गया, चार पाई। ठीक है, अब देखो आगे जा रहे हैं, दूसरा जो है इधर भी देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाय टू, इसको क्या लिखेंगे थ्री पाई बाय टू, इसको क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे वन है, इसको क्या लिखेंगे, 90 को पाई बाई टू ना रहे, 90 पाई बाई टू हो गया, तो 1 इंटू पाई बाई टू पाई बाई टू, यहाँ पाई बाई टू है तो 3 इंटू पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, तो 5 पाई बाई टू, और ये हो गया 7 पाई बाई टू। तो बाबू और एक नोट कर लो दिमाग में कि जहाँ पे पाई रहेगा, जहाँ पे पाई रहेगा वहाँ नो चेंज होगा, जहाँ पे पाई रहेगा वहाँ नो चेंज होगा, और जहाँ पे पाई बाई टू रहेगा, जहाँ पे पाई बाई टू रहेगा वहाँ पे चेंज होगा, जहाँ पे पाई रहेगा वहाँ नो चेंज होगा, और जहाँ पे पाई बाई टू रहेगा वहाँ चेंज होगा, क्लियर है। अब देखते हैं फिर से एक बार, हम लोग देखेंगे रेडियन के बेसिस पे क्वाड्रेंट को देखेंगे, रेडियन के बेसिस पे क्वाड्रेंट को देखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का क्वाड्रेंट बन चुका है, ये रहा क्वाड्रेंट, हम लोग रेडियन बैठाएंगे, रेडियन हम यहाँ बैठा रहे हैं जीरो डिग्री, जीरो डिग्री यहाँ बैठाएंगे 90 को रेडियन में लिखने बोले हम अभी, पाई बाय टू, पाई बाय टू, दूसरा क्या है यहाँ पाई, यहाँ क्या होगा थ्री पाई बाई टू, यहाँ क्या होगा टू पाई, यहाँ क्या होगा फाइव पाई बाई टू, यहाँ क्या होगा जीरो टू थ्री पाई। देखो अब ये जो है थोड़ा सा हम लॉजिक समझो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हम बताए थे जो एक्स एक्सिस जो रहेगा उसमें चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज, और जिसमें वाई एक्सिस जो रहेगा उसमें चेंज होगा, और जिसमें नो चेंज होगा वहां पे क्या रहेगा पाई, और जिसमें चेंज होगा वहां पे क्या रहेगा पाई बाई टू, मैंने इतना कुछ बताया अभी। ध्यान से देखो एक्स एक्सिस वाला जो है वो क्या है, इवन मल्टीपल है, देखो जीरो ये ले लिए हैं वन, यहाँ ले लिए टू, यहाँ ले लिए थ्री, अब यानी कि उसमें हम लोग देखे थे क्या देखे थे कि इवन मल्टीपल में नो चेंज होगा, कब 90 में, ये रेडियन में लिए हैं, पाई को लिए हैं। ठीक है, तो जीरो पाई वन पाई टू पाई थ्री पाई, तो इधर कितना आएगा फोर पाई, इधर कितना आएगा फाइव पाई, फाइव पाई, इधर कितना आएगा सिक्स पाई, इधर सेवन पाई, फिर एज इट इज़ ये बढ़ते जाएगा। अब तुमको कोई बोलेगा बाबू बताओ कि 11 पाई किधर रहेगा रे, 11 पाई किधर रहेगा, सोचना ही नहीं है, इधर था, इधर क्या था पाई के मल्टीपल में जो हो रहा था इवन हो रहा था, अब देखो इधर क्या रहा पाई के मल्टीपल में क्या हो रहा है ऑड हो रहा है, सोचना ही नहीं है, बोलेगा कि 13 पाई किधर आएगा, इस साइड में आएगा, 13 पाई किधर आएगा इस साइड में आएगा, क्योंकि इधर सारा देखो 1 3 5 7 9 ऑड नंबर, यहाँ पे 11 पाई भी आएगा और यहाँ पे 13 पाई भी आएगा। कोई तुमको बोला 43 पाई किधर आएगा, 43 पाई किधर होगा, सर यहीं पे होगा पाई होगा, तब हम 12 बोल रहे हैं एक्स एक्सिस में क्या होगा पाई, जो कि एक्स एक्सिस में चेंज होगा ही नहीं, जहाँ जहाँ पाई दिखेगा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं पाई बाई टू में, देखो पाई बाई टू में जब 1 इंटू हम ऑड मल्टीपल पढ़े थे तो 1 इंटू 90, तो 1 इंटू 90 मतलब क्या 1 में पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू, ये 5 पाई बाई टू, अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 5 पाई बाई टू, ये यहाँ पे हो गया 7 पाई बाई टू, यहाँ पे कितना होगा 9 पाई बाई टू, यहाँ कितना होगा 11 पाई बाई टू, यहाँ कितना होगा 13 पाई बाई टू, इसमें क्या रहेगा सारा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा, और पाई बाई टू 90 होता ना भाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा, देखो 1 3 5 7 9 11, फिर कितना 13 पाई बाई टू लिख दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 15 पाई बाई टू, ये एज इट इज बढ़ते रहेगा, लेकिन कहीं पे भी पाई बाई टू दिखा सीधा चेंज करना है, पाई दिखा नो चेंज,
क्लियर है? एक्स एक्सिस में नो चेंज, वाई एक्सिस में चेंज, क्लियर? आप देखें क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम बता देते हैं कि क्वाड्रेंट जो है होता है, क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन लाएगा देख के बताना है, एकदम इमेजिनेशन से बताना है। कैसे बताना है? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, अब कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ क्वाड्रेंट दिख रहा तुम लोगों को? नहीं दिख रहा। क्वाड्रेंट को देख के बिना देखे हुए तुम लोगों को पता रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आता है ना, 0° प्लस थीटा और 90° से कम आएंगे तो मिलेगा, ठीक? आप देखो यहाँ पे 0° प्लस थीटा, 90° माइनस थीटा और क्या 360 से सर आगे जाएंगे ना, तो अभी हमको क्या मिलेगा? हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा, क्लियर है? अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा देख के पता चल रहा है कि 0 प्लस थीटा थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 360 प्लस थीटा से भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच सकते हैं। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से आगे जाएंगे या 180 से पीछे जाएंगे देख के पता चल रहा है? यानी कि सर कि 90 प्लस थीटा लीजिए और 180 माइनस थीटा लीजिए तो भी आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। फोर्थ बता दो बाबू। सर फोर्थ इस साइड में आता है, 0° से घटेंगे तो भी मिलेगा और 270 से आगे जाएंगे तो भी मिलेगा। तो लिखो यहाँ पे 0° माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इतना कुछ में हम लोग जा सकते हैं। 3 और 3 6 और इधर 2, इसमें कौन छूट गया? थर्ड क्वाड्रेंट छूट गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एग्जांपल नहीं दे रहे हैं हम, आपको दिखा रहे हैं कि चेंज कैसे होता है, चेंज नहीं होता। देखो हम चिपका रहे हैं यहाँ पे साइन, हम चिपका रहे हैं यहाँ पे कॉस और यहाँ चिपका रहे हैं हम टेन, ठीक? यहाँ चिपका रहे हैं हम साइन और यहाँ चिपका रहे हैं कॉस, यहाँ चिपका रहे हैं हम कॉस और यहाँ चिपका रहे हैं हम साइन और यहाँ चिपका रहे हैं हम फिर कॉस और फिर एक तो कॉस ले लेते हैं हम, सॉरी कॉस नहीं लेते हैं, साइन ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, ठीक है? साइन ले लेते हैं, साइन 0° माइनस थीटा, ठीक है? देखो छोटा सा एग्जांपल है, सबसे पहले देखो 0 sin 0 प्लस थीटा, सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसको, इसके साथ लेके जाएंगे इसको देखेंगे पहले, जीरो में चेंज होता है कि नहीं होता है। 0 is an even multiple of 90, जीरो है चेंज होगा, जीरो है चेंज होगा, जीरो किधर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, नो चेंज, यानी कि साइन जो रहेगा इंटरचेंज, साइन जो रहेगा साइन ही रहेगा, साइन जो रहेगा वो साइन ही रहेगा और ये जो थीटा रहेगा यहाँ थीटा आ जाएगा, क्लियर है? अब देखो जीरो में चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज होता तब हम देखते हैं, तो चेंज तो नहीं हुआ। अब देखो जीरो प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पहला रूल क्या है, चेंज होगा कि नहीं होगा, पहला क्या देखेंगे, चेंज होगा कि नहीं होगा। दूसरा देखो जीरो प्लस थीटा, जीरो प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, जीरो प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सर ये पहलू पॉजिटिव देगा, क्लियर? अब देखो कॉस में, कॉस जो है 90 माइनस थीटा, कॉस जो है 90 माइनस थीटा, सबसे पहले देखो कॉस किस में चेंज होगा, देखो 90 है, 90 में चेंज होगा कि नहीं होगा? हम बोले थे 90 जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 91 into 90 हुआ था, यानी कि वो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो जब भी कोई एंगल है वो वाई एक्सिस या एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में मीन्स चेंज, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और थीटा का वैल्यू थीटा लिख दिए। अब 90 माइनस थीटा पहला काम तो चेंज हो गया, अब देखना है उसका वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये भी पॉजिटिव होगा, क्लियर है? अब देखो टेन 360 सोचोगे कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा, किसका मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है क्या, तो 9 4 36, यानी 4 into 90 हुआ है तब जाकर 360 बना है, तो 4 is an even number और इवन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इवन नंबर नो चेंज, यानी 10 जो रहेगा यहाँ पे 10 ही रहेगा। दूसरा लॉजिक तुम लोग ये भी देख सकते हो, 360 एक्स एक्सिस में आता है और एक्स एक्सिस में नो चेंज होता है, क्लियर है? 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा चीज़ क्या आता है, पॉजिटिव आता है, क्लियर है? ठीक, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साइन 90 चेंज होगा बाबू, 90 ऑड मल्टीपल, सर चेंज होगा। अब देखो साइन को किस में चेंज करना है, इंटरचेंज बिटवीन पढ़ाया ना, तो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अब देखो कि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है देखो तो सोचो तो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देता था, साइन और कोसेक क्या देता था, पॉजिटिव वैल्यू देता था। तो साइन को देखेंगे हम लोग, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे, इसके साथ जो था उसको देखेंगे। ये अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ये अगर नेगेटिव वैल्यू देता है तो नेगेटिव। ये नहीं करना है कि सर 90 प्लस थीटा जो है वो देता है वहाँ पे क्या, 90 प्लस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव देता है, यहाँ पे नेगेटिव चिपका देना, वैसा मत करना। सीधा सीधे सोचना, शादी कर रहा है ये लड़का, ठीक है, अब ये लड़की है, ये दूसरे कास्ट की है। अब बाबू जो सरनेम लगता है वो लड़का कहीं ना लगता है, लड़का कहीं ना सरनेम लगेगा, तो वो जो नेगेटिव एंगल है ना वो सरनेम पकड़ लो, नेगेटिव एंगल जो है ना वो शॉर्ट ट्रिक है। यानी कि साइन 90 मतलब चेंज, कॉस में चेंज, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, चेंज के नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 मतलब चेंज हो चुका है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पता करो कि वो पॉजिटिव देगा नेगेटिव, कौन शादी कर रहा है, साइन, यानी साइन जो है वो पॉजिटिव देता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव। क्लियर है, तुम लोग बताओ। सबसे पहले इसको देखेंगे 180 चेंज की नो चेंज, 180 एक्स एक्सिस नो चेंज सर यहाँ लिखिए आप कॉस थीटा, नो चेंज लिख दीजिए आप कॉस थीटा। सबसे पहले देखेंगे आप ये कॉस 180 माइनस थीटा, पहला काम चेंज या नो चेंज, फिर देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है, शादी कौन कर रहा है, ये कॉस कर रहा है, यानी इसका सरनेम लगेगा, कॉस क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव देता है। सिर्फ मैं एग्जांपल ले लो, अगर हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि हम बोलेंगे 10 90 डिग्री प्लस थीटा, सर चेंज होगा कि नहीं होगा, जल्दी देखो चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ चेंज 90 90 90, y एक्सिस हाँ चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, कॉट थीटा 10 किस में चेंज हो गया, कॉट थीटा। क्लियर है, अब देखेंगे 90 प्लस थीटा किस में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन किसका देखेंगे, 10 का या कॉट का, 10 का देखेंगे, क्यों, क्योंकि शादी यही कर रहा है, 10 का सरनेम लगाना है, 10 जो देता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देता है, जिसके कारण ये माइनस कॉट थीटा होता है। क्लियर है, अब देखते हैं इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का देखो इसको देखते हैं पहले, उसको थोड़ा सा रखते हैं, ये थोड़ा सा बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखो साइन 270 कौन किधर है, 270 नीचे y एक्सिस चेंज होगा ना, हाँ होगा सर, साइन चेंज होगा किस में, साइन किस में चेंज होता है सर, कॉस थीटा में, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में शादी कौन कर रहा है, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन जो है वो वहाँ पे कौन सा वैल्यू देगा, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ लिखे तो नेगेटिव। क्लियर है, अब देखो कॉस 360 माइनस कॉस जो है यहाँ पे कॉस जो है 360 माइनस थीटा। सबसे पहले कॉस को देखो, इसके साथ देखो 360 x एक्सिस नो चेंज, कॉस का लिखो, कॉसे लिख दो यहाँ पे 360 माइनस थीटा सर फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सर पॉजिटिव देता है सर, लो पॉजिटिव। क्लियर है, अब देखो जीरो माइनस थीटा जीरो मतलब इवन मल्टीपल ऑफ, सर कॉस चेंज हो जाएगा सर किसमें, सर कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, चेंज होगा इवन मल्टीपल ऑफ 90 में। अब देखो कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, अब 0 0 0 कौन सा एक्सिस एक्स एक्सिस में चेंज होगा, नहीं कॉस का लिखो यहाँ पे कॉस थीटा, अब लिखो कॉस का कॉस थीटा, चेंज होगा कॉस 0 0 0 नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब देखो कॉस 0 माइनस थीटा जो है ये चेंज नहीं हुआ, पहला काम चेंजिंग का देख लिए, अब 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि कॉस क्या होता है वहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू देता है, कॉस क्या देता है नेगेटिव वैल्यू देता है, गलत, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है भाई, कॉस जो देता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, देखो क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव देता है, जिसके कारण कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जो कि बुक में तुम लोगों को लिख के दिया है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये चीज़ बुक में नहीं दिखाया कि क्यों होता है, तो कॉस माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस मतलब नो चेंज, और 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, जिसके कारण कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्लियर हुआ, अब देखो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, अब देखो साइन 0 0 में तो चेंज,
कि नो चेंज, एक्स एक्सिस नो चेंज, यानी साइन का साइन ही लिखो यहाँ पे, और जीरो डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, चिपका दो। क्लियर है, हम लोग अभी यहाँ पे काम करना सीख गए हैं, कौन चेंज होगा कौन नो चेंज होगा, काम क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो साइन 70 डिग्री साइन 720 डिग्री प्लस थीटा, साइन 720 डिग्री प्लस थीटा, 720 रे, 720 कहाँ है, 720 सोचो, 720 सोचो, यहाँ 360 और एक बार और रोटेशन, 720 720 कहाँ है, यहीं पे है ना, एक्स एक्सिस में, चेंज की नो चेंज, चेंज की नो चेंज, क्या मल्टीपल में है, नो चेंज, क्या मल्टीपल में है, ऑड मल्टीपल में या इवन मल्टीपल में है, इवन मल्टीपल में, 9 4 36 और 9 6 54 और 9 7 63। अब देखो कि किसका कम किस में है, अब 90 × 80 ये क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में क्या होता है, नो चेंज, यानी कि साइन जो रहेगा वो साइन ही रहेगा थीटा, ठीक है, साइन थीटा ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। अब देखो साइन 70 डिग्री प्लस थीटा 720 से आगे जाने बोल रहा है, 720 से आगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, देखो 720 से आगे कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देता है, साइन पॉजिटिव देता है, क्लियर है, ठीक। कॉस 180 डिग्री मतलब क्या है, पाई, क्या है 180 पाई, मतलब नो चेंज, चेंज है कि नहीं चेंज, नो चेंज, यानी कि कॉस का थीटा का कॉस थीटा ही हो जाएगा, नो चेंज। कॉस 180 किधर है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, 180 कहाँ है, एक्स एक्सिस में, नो चेंज। अब देखो जहाँ चेंज तो नहीं हुआ लिख दिए, अब देखो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, देखो ये 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, कॉस देता है नेगेटिव वैल्यू, वहाँ पे लिख दो नेगेटिव, खत्म। आगे देखो, अब बात करते हैं टेन का, देखो टेन 90 मतलब चेंज, पाई बाई टू, 90 मतलब चेंज, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा, सर 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू, चिपकाओ, ठीक। अब देखो आगे, साइन 90, सर 90 चेंज, सर 90 चेंज, चेंज किस में चेंज, कॉस, खत्म, चेंज हो गया। अब देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जीरो प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, पॉजिटिव, चिपकाओ, खत्म। देखो यहाँ पे कॉस 180, सर 180 एक्स एक्सिस में लाई करता है, नो चेंज, सर नो चेंज, कॉस को कॉस थीटा से लिखिए, लिखना जल्दी लिखिए, कॉस थीटा, नो चेंज, नो चेंज, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 कहाँ है, 180 एक्स एक्सिस, 180 प्लस थीटा कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है, नेगेटिव, ठीक। कॉट 180, सर कॉट 180, सर नो चेंज, 180 नो चेंज सर, लिखिए, यानी कि कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव। देखो कहाँ कहाँ कटेगा, देखो कॉस कॉस कट गया, कॉट कॉट कट गया, अब साइन थीटा इधर क्या, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, अब साइन थीटा भाई कॉस थीटा क्या बचा, भाई क्या बचा, टेन थीटा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, टेन थीटा, इसका आंसर क्या आया, टेन थीटा। अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे, क्या थोड़ा सा चेंज कर रहे, इसका जो वैल्यू है ना इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि सर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, बता दो बाबू क्या क्या चेंज होगा, बता तुम लोग क्या क्या चेंज होगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 कहाँ है रे, नीचे नीचे वाई एक्सिस, सर चेंज होगा किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा सर कॉस थीटा में, अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कहाँ है, कहाँ है 270 प्लस थीटा, कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो देगा साइन क्या देता है, साइन क्या देता है, हम क्या बोले थे, साइन को देखना है कि कॉस को देखना है, साइन को देखना है, जिस जो शादी कर रहा है, अब जिससे कर रहा है उसका सरनेम लगेगा ना, कौन कर रहा है, साइन कर रहा है, इसका सरनेम लगेगा, यानी साइन जो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, यानी कि इस जगह पे जो है, इस जगह पे जो साइन थीटा जहाँ पे था, जहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे क्या बचेगा, थोड़ा सा हम यहाँ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, सारा कट के खत्म हो गया, क्या बचा हुआ था यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा हुआ था, कॉस थीटा, खाली इतना ही चेंज होगा, बाकी तो कट के हट चुका है सब, खाली ये अगर हम डाल दिए तो क्या चेंज होगा, खाली ये माइनस कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, आंसर जो आएगा माइनस वन आएगा, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज, देखो यहाँ पे हम 720 था, यहाँ पे 270 कर दिए, थोड़ा सा दो डिजिट को इधर उधर कर दिए, 720
270, थोड़ा सा चेंज कर दिए, यहाँ पे कॉस पहले साइन आ रहा था, अब यहाँ पे माइनस कॉस आ गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, माइनस वन आ रहा था और इसमें टेन थीटा आ रहा था। बहुत ही ईजी से हम लोग और भी सवाल करेंगे, ठीक है, तो उसमें अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इसमें जितना भी कुछ भी डाउट रहेगा, कोई भी इसमें कुछ भी कोई डाउट रहेगा, कमेंट सेक्शन में लिखना, और लगातार हम लोग का वीडियो भी आता रहेगा, प्रॉब्लम हम लोग करते रहेंगे, कैसा रहेगा, कैसा रहा वीडियो, कैसा नहीं रहा, उसमें रिव्यू में हम लोग को जरूर बताइएगा। अब ये चीज़ हम लोग प्रॉब्लम के साथ इसको आज का जो हम लोग का वीडियो था, आज का जो हम लोग का लेक्चर था, आज को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तुम लोगों का काम क्या है कि प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स अपना खुद का बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद उसको रिविजन करो, रिविजन करने के बाद क्वेश्चन बनाओ, अगर कोई क्वेश्चन रहता है कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर ये क्वेश्चन हम लोगों का नहीं बन रहा है, कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि सर हम लोगों को वीडियोस और लाइए, कौन कौन से टॉपिक में चाहिए। तो आज के यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबाकर रखिएगा ताकि हम मेरा वीडियो जैसे आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।